म्यूजिक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सुबह के समय जहां एक तरफ उसकी सास सुशीला मंदिर में बैठकर पूजा कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ उमा हाथ में टॉवल लिए हॉल से बाथरूम की तरफ जाते हुए अपने आप से डायलॉग मारती है। अरे वाह, ये तो संडास से लेकर सुशीला तक सब दिख रहा है। अरे वाह, ये तो संडास से लेकर सुशीला तक सब दिख रहा है। उमा बार बार एक ही डायलॉग रटते हुए बाथरूम की तरफ बढ़ रही थी कि तभी उसकी सास सुशीला हाथों में पूजा की थाली लिए उसके पास आती है और कहती है, बेशरम, कम से कम संडास जाते टाइम तो मेरा धर्म भ्रष्ट मत कर। ये कब से एक ही डायलॉग बोलती जा रही है? कोई भूत चढ़ गया है क्या जो तेरे ऊपर से उतरने का नाम नहीं ले रहा है? क्या माँ जी, बीच में आकर मेरे डायलॉग का फ्लो खराब कर दिया। कितनी मुश्किल से मैंने कल ये डायलॉग याद किया था, आपने सारा मजा ही खराब कर दिया। भाड़ में गया तेरा डायलॉग। बस तू बाथरूम जाते समय मेरा नाम मत ले, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पता नहीं किस एक्टर की मूवी देखकर आई है और डायलॉग पर डायलॉग मारे जा रही है। देखिए माँ जी, मेरे डायलॉग और एक्टर को कुछ मत बोलिए। आपको पता है ये डायलॉग मेरे मन पसंद एक्टर पंकज त्रिपाठी का डायलॉग है। आज बोल दिया, दोबारा मत बोलना। रूल्स रूल्स करते रहते हैं, बेसिक रूल्स भूल गए हैं। एडिशन से पहले डिवीजन होता है। ये क्या बोले जा रही है तू? सब मेरे सर के ऊपर से जा रहा है। माँ जी, ये भी पंकज त्रिपाठी का ही डायलॉग है ना, एकदम मस्त। बहू तू ये डायलॉग बाद में मारियो, अभी जाकर नहा पहले। राम राम, सुबह सुबह शांति से पूजा भी नहीं करने देती है ये। सुशीला इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद सभी लोग नाश्ता करने के लिए डाइनिंग टेबल पर आते हैं। तभी उमा सबके लिए खीर लेकर आती है, जिसे देखकर उमा का पति हार्दिक कहता है, उमा यार, तुमने खीर क्यों बनाई है? भला नाश्ते में सुबह के समय ये खीर कौन खाता है? तुम्हें तो पता है ना कि मुझे खीर बिल्कुल भी नहीं पसंद, और माँ को भी शुगर है, इसलिए वो भी मीठा नहीं खा सकती है। हद है आप लोगों की भी। हार्दिक जी, हमारे पिताजी कहते हैं जो खीर नहीं खाया वो मनुष्य योनि में पैदा होने का पूरा फायदा नहीं उठाया। तो अब आप ही बताइए कि मनुष्य है या नहीं। यार, मैं तो तुम्हारी इस पंकज त्रिपाठी के डायलॉग से परेशान हो गया हूँ। जहाँ देखो जब देखो हर बात पर उन्हीं का डायलॉग चेप देती हो। तुम्हें इतने डायलॉग याद कैसे हो जाते हैं? बेटा, तू भी ये क्या पूछ रहा है? जो पूरे दिन पंकज त्रिपाठी के गाने, मूवी, वेब सीरीज देखती है, उसे डायलॉग याद करने की जरूरत है? वो तो खुद ब खुद याद हो जाते हैं, क्योंकि मेरी बहू पंकज त्रिपाठी की फैन बहू है ना, इसलिए। क्यों बहू, सही कहा ना मैंने? माँ जी, आप कभी कोई बात गलत कहती ही कहाँ है? एक आप ही तो हो जो मुझे बहुत अच्छे से जानती हो, मेरी पसंद नापसंद को समझती हो। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि तुम्हें पंकज त्रिपाठी के इतने डायलॉग याद करने की जरूरत ही क्या है? माना वो बहुत अच्छा एक्टर है, हर रोल के लिए बेस्ट है, लेकिन इतना भी क्या फैन बनना? हार्दिक जी, अगर नेता बनना है ना तो गुंडे पालो, गुंडे बनो नहीं, समझे क्या? क्या 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 बोला तुमने? मेरे सर के ऊपर से गया, अब ये कौन सा डायलॉग है? हार्दिक जी, मेरे कहने का मतलब है कि अगर अपने मनपसंद एक्टर की तरह बनना है तो हमें उसकी हर छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए ना। बाकी तो किस्मत की बात है कि हम उनकी तरह बड़े एक्टर बने या ना बने। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, लो आराम से बैठकर खीर खाओ और अपने पंकज त्रिपाठी जी के महान डायलॉग अपनी सासू माँ को सुनाओ, पंकज त्रिपाठी की फैन बहू। मैं तो चला ऑफिस। हार्दिक इतना कहकर अपना बैग उठाकर ऑफिस के लिए निकल जाता है, जिसके बाद उमा आराम से बैठकर खीर खाना शुरू कर देती है। ऐसे ही समय बीतता है और समय के साथ उमा की पंकज त्रिपाठी के प्रति फैन फॉलोइंग और बढ़ती जाती है, जिसके चलते वो हर समय हर बात पर उसी के डायलॉग बोला करती, जिससे उसके घर वाले बड़ा परेशान रहते और उसे बहुत समझाने की कोशिश करते, लेकिन उसके ऊपर अपने घर वालों की कोई बातों का असर नहीं था। ऐसे ही एक रोज सुशीला अपने कमरे में सो रही थी, तभी उसे मंदिर की घंटी और किसी के गाने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो कमरे से बाहर मंदिर में आती है, जहां वो अपनी बहू को आरती की थाली लिए गाते हुए सुनती है, मिलेगी मिलेगी तुझे भी मिलेगी मुझे भी मिलेगी होगा चमत्कार, मिलेगी मिलेगी सभी को मिलेगी कभी तो मिलेगी सबर मेरे यार। अपनी बहू को मंदिर में खड़ी आरती की थाली लिए ऐसे फिल्मी गाने गाते हुए सुनकर सुशीला को बहुत गुस्सा आता है, और वो अपनी बहू के पास जाकर उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमाकर चुप करवाते हुए कहती है, चुप, एकदम चुप हो जा, अब आगे कुछ नहीं बोलेगी तू, सिर्फ मेरी सुनेगी। ये सब क्या है, तू मंदिर में खड़ी होकर ये फिल्मी गाने क्यों गा रही है? अरे अब बोल भी कुछ,
ये कब से मुझे घूरी जा रही है, बोल अब। माँ जी पहले आप अच्छे से सोच लीजिए कि मुझे करना क्या है, चुप रहना है या बोलना है। खुद ही तो आपने बोला कि चुप करके मेरी बात सुन, उसके बाद खुद ही बोल रही हैं कि बोल। आपका ना तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आता है। और मुझे तेरा समझ में नहीं आता है, तुझे मेरा कोई डर वर है कि नहीं? मेरे पूजा घर में तू आरती की थाल हाथ में लिए फिल्मी गाने गा रही है। माँ जी डर की दिक्कत है कभी भी खत्म हो सकता है, मेरा भी हो गया। और वैसे भी ये गाना मैं भगवान जी के लिए नहीं बल्कि अपने भगवान के लिए गा रही थी, मेरे मनपसंद एक्टर पंकज त्रिपाठी जी के लिए। मैं उनकी इतनी बड़ी फैन हूँ कि मैं उन्हें भगवान की तरह मानती हूँ, तभी तो मैंने उनकी फोटो मंदिर में रखी है ताकि मैं इनकी रोज पूजा कर सकूं। हे भगवान, मैं क्या करूँ इस पंकज त्रिपाठी की फैन बहू का, अगर मैं कुछ दिन और इस घर में इसके साथ रही ना तो मैं पागल हो जाऊंगी। सुशीला अपनी बहू पर चिल्ला ही रही थी कि तभी उसकी आवाज़ सुनकर उसका बेटा हार्दिक भी वहाँ आता है और अपनी माँ को गुस्से में देखकर कहता है, क्या हुआ माँ, आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? हार्दिक जी होगा क्या, ये दुनिया कितनी मुश्किल है औरतों के लिए, पर उसका हल पिंजरे में कैद हो जाना नहीं है, पिंजरा तोड़कर उड़ जाना है। वही मैंने किया जो माँ जी को अच्छा नहीं लगा। अरे बंद करो अपना ये पंकज त्रिपाठी का डायलॉग मारना हर बात पर, और सीधे शब्दों में बताओ माँ तुम पर क्यों चिल्ला रही थी? बेटा इसने आज तक अभी सीधी बात करी है जो अब करेगी? मैं बताती हूँ तुझे, देख जरा बहू का पागलपन। अब ये पंकज त्रिपाठी की फोटो को मंदिर में रखकर उसकी पूजा भी करेगी, वो भी फिल्मी गाने गाते हुए। यार ये क्या टीवी सीरियल चल रहा है मेरे घर में? और उमा तुम भी क्या पागल हो यार, इतना भी किसी का क्या फैन बनना कि उसकी पूजा ही करने लगो। किसी एक्टर को पसंद करना, उसका फैन होना अच्छी बात है, लेकिन उसको और उसकी चीजों को अपनी रियल लाइफ में जोड़ना क्या सही है? हार्दिक जी जो लोग मेहनत का साथ नहीं छोड़ते, किस्मत कभी उनका साथ नहीं छोड़ती। मेरा तो बस एक ही सपना है कि मैं पंकज त्रिपाठी जी को एक बार सामने से देख सकूं, उनसे मिल सकूं। इसलिए मैं उनके लिए हर मूवी का डायलॉग याद करती हूं कि जब भी मैं उनसे मिलूं, मैं उन्हें बता सकूं कि मैं उनकी कितनी बड़ी फैन हूं। हार्दिक को सुशीला मिलकर उमा को समझा ही रहे थे कि तभी उनकी पड़ोसन विमला घबराती हुई उनके घर आती है और सुशीला से कहती है, सुशीला तुझे पता है आज सुबह हमारी पड़ोसन सीमा की बहू भगवान को प्यारी हो गई, मुझे तो अभी पता चल रहा है। ये सोचकर मैं तो बहुत परेशान हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि तुझे आकर बता दूँ। विमला तो ये क्या कह रही है, ऐसे कैसे हो सकता है? तबीयत तो सीमा की खराब रहती है, उसकी जगह उसकी बहू कैसे मर सकती है? हाँ अभी तो कुछ समय पहले सीमा आंटी के लड़के की शादी हुई है, ये सब कैसे हो गया भगवान का भी पता नहीं। क्या इंसाफ है, हमेशा गलत करते हैं अच्छे लोगों के साथ। नहीं हार्दिक जी आप गलत बोल रहे हैं, सबका आधार लिंक है, उनके पास उनसे कोई गलती नहीं हो सकती, मानिए आप मेरी बात। उमा की बात सुनकर हार्दिक अपना सर पकड़कर सोफे पर बैठ जाता है और जोर जोर से हंसने लगता है। उसको हंसते हुए देखकर विमला और सुशीला बहुत हैरान होती हैं। तभी हार्दिक हंसते हुए अपनी माँ से कहता है, माँ अब आपको अपनी पंकज त्रिपाठी की फैन बहू और मुझे फैन बीवी के साथ ही रहना पड़ेगा, क्योंकि ये तो नहीं सुधरने वाली है। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।